हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी इंडोर प्लांट्स की न्यू शॉपिंग जो मैंने आज ही की है। काफी दिनों से मैं इंडोर प्लांट्स की शॉपिंग करने का सोच रही थी। वैसे तो जून मंथ में प्लांट्स इतने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं लगा पाते हैं ज्यादा प्लांट्स और ना ही रिस्क लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौका लग गया तो हम जाके जो है प्लांट्स ले आए। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो मैं ये पॉट्स के बारे में शेयर करूँगी। ये कल सडनली मेरे हस्बैंड ने मुझे लाके ये कुछ पॉट्स वगैरह मुझे दिए हैं, 6 से 7 इंच के, शायद 6-7 इंच का एक पॉट है ये, और बिल्कुल ही फाइन क्वालिटी का है। तो ये प्लास्टिक के हैं लेकिन बिल्कुल फाइन क्वालिटी का है ये, और 40 रुपीज का ईच ये मिले हैं। 6 पॉट्स हैं ये सारे, तो 40 रुपीज का ये एक है। तो पॉट लेकर आए, तो उसके बाद आज जो है वो प्लांट्स लाने का जो मन बन गया, तो आज हमने उन्हें जाके प्लांट्स लेकर आए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अभी अपना गार्डन इस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो इस हिसाब से दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड से प्लांट्स नहीं लाती, अभी सिर्फ सिंपल से प्लांट्स ही लेकर आती हूँ जो मैं लगा सकूँ और मैं लगा के देखूँ। और जब भी मैं प्लांट्स लाती हूँ तो मैं गिनती में बहुत ज़्यादा नहीं लाती। जैसे आज मैंने थोड़े से ही प्लांट लाए हैं, ऐसे करके मैं थोड़े थोड़े प्लांट्स ही लाकर लगाती रहती हूँ धीरे से। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं मुझे तकरीबन 30-30 रुपीज ईच, और एक प्लांट में से 50 रुपीज का मिला है। तो टोटल ये 200 की शॉपिंग आज मैंने इनके ऊपर 200 की शॉपिंग मैंने आज करी है इन सारे प्लांट्स की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों अम्ब्रेला प्लांट से। दोस्तों ये प्लांट मुझे शुरू से ही बहुत प्यारा लगता है और ये मुझे 20-30 रुपीज का मिला है। इसको हम लोग सेमी शेड में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर बिल्कुल इंडोर हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाइटिंग जो है वो तेज होनी चाहिए। मतलब कि जहाँ पे अंधेरा हो या कम लाइट आती हो वहाँ पे ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वॉन्डरिंग ज्यू। दोस्तों ये प्लांट जो है ये हम लोग एक हैंगिंग बास्केट के तौर पर इसको हम ग्रो कर सकते हैं, और इसकी बहुत ही अच्छी जो लीव जो है वो निकल के सामने आती हैं, कलरफुल सी निकलती हैं। तो ये प्लांट भी मुझे 30 रुपीज़ का मिला है। हम इसको सेमी शेड में ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आ रही हो और ज़्यादा टाइम छांव रहती हो तो वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो नेक्स्ट लिए है मैंने स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट दोस्तों मुझे बहुत पसंद है। एक तो इसकी ये क्वालिटी है कि ये हार्डी प्लांट है और इसे हम सेमी शेड में या शेड में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इसमें से बेबी प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या है कि हम अपने गार्डन में इन प्लांट्स की गिनती को भी बढ़ा सकते हैं, और ये भी मुझे 30-30 रुपीज के ईच मिले हैं। अच्छा, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मैंने इनमें देखी है बात, जिस नर्सरी से मैं लेकर आई हूँ, मेरे घर के थोड़ी दूरी है, तो इन प्लांट्स में क्या है कि ये हेल्दी लगे मुझे सारे प्लांट्स। मुझे थोड़े से तो ये लगे रेट का फर्क लगा, जैसे एक नर्सरी में यूनिवर्सिटी में से अगर मैं लेकर आऊँ तो ये 20-20 में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मुझे 30-30 रुपीज के मिले, लेकिन ये हेल्दी लगे। कोई भी ये सिर्फ इतना से इसके जो यहाँ से टिप्स जो है ये थोड़ी सी है जो गर्मी के कारण थोड़ी सी हुई, अदरवाइज ये बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं। तो नेक्स्ट है ये टेंगल्ड हार्ट। ये प्लांट और दूसरा वॉन्डरिंग ज्यू, ये तो मैं बहुत देर से लाने का सोच रही थी और ये मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं। तकरीबन मैं सभी फेवरेट लाई हूँ, लेकिन ये क्या है टेंगल हार्ट प्लांट, इसकी जो जब ये इसकी लताएं नीचे को गिरती हैं और ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही ग्रेसफुल लगता है। और दूसरा ये सैकुलेंट वैरायटी में आता है, ये भी शेडी एरिया में ही ग्रो करता है, सेमी शेड में चल जाता है, लेकिन इसको तेज लाइट जो है वो आनी चाहिए, मतलब कि इनडोर हो लेकिन धूप ना आती हो, तो उसमें ये ज़्यादा बेटर तरीके से करता है सर्वाइव। लेकिन मैंने इसको मैं थोड़ी सी सेमी शेड में ही मैं लगाना चाहूँगी। तो नेक्स्ट इसका मुझे नाम थोड़ा सा भूल गया, शायद ये प्रोटोन वैरायटी में ही आता है। तो ये भी इंडोर प्लांट ही है, जैसे हम अपने बरांडे वगैरह में रख सकते हैं इसको,
तो ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। इसके बिना ये तुलसी जी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी हमारे यहाँ पे लगी हुई है, तुलसी जी का पौधा है ये भी। तो ये सारे प्लांट्स की जो है शॉपिंग, ये सिर्फ 200 रुपीज़ में हमने सारे प्लांट्स, सेवन प्लांट्स लिए हैं। तो बाकी ये पॉट्स की शॉपिंग तो अलग है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो फिलहाल तो मैं इनको इन्हीं पॉट्स में ट्रांसफ़र करूँगी, और नेक्स्ट जब ये थोड़े से और ग्रो कर जाएंगे तब इनको मैं बड़े पॉट्स में कन्वर्ट करूँगी, तब मैं इनको 10 इंच के पॉट्स में जाकर कन्वर्ट करूँगी। फिलहाल मैं इन्हीं में लगाऊँगी। तो आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी, थोड़ी अगर रेटिंग कैसी लगी, इनके रेट कैसे लगे, शॉपिंग कैसी लगी, प्लांट शॉपिंग, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।